बिग बॉस के मैनेजमेंट से सलमान खान हुए नाराज, बीच में छोड़ सकते हैं शो। एल्विस यादव पर पूछे दो तीखे सवाल। क्या सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह राजपूत की तरह एल्विस यादव का बढ़ा क्रेज, तो भाईजान को हो गई दिक्कत। यूट्यूबर से सीधा राजनेता बनने वाले हैं एल्विस यादव, पंडित ने कर दी है भविष्यवाणी, फैंस अभी से दे रहे बधाई। क्या एल्विस यादव की लोकप्रियता सलमान खान को नहीं पच रही है? खबर है कि सलमान बिग बॉस का ये वाला शो बीच में ही छोड़ने वाले हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एल्विस यादव बनेंगे। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि सलमान खान ने बिग बॉस के मैनेजमेंट से दो तीखे सवाल पूछे हैं और बात यहां तक बढ़ गई है कि या तो एल्विस यादव शो से बाहर होंगे या फिर सलमान खान इसे लास्ट तक होस्ट नहीं करेंगे। पहला, एल्विस यादव ने आते ही हमारे 50 लाख फॉलोअर्स कम करवा दिए, ऐसे व्यक्ति को बिग बॉस में क्यों बुलाया? दूसरा, फिल्में पहले से ही फ्लॉप हो रही हैं, फैंस कम हुए तो और दिक्कत होगी, टीआरपी के चक्कर में कुछ भी करोगे। अब सवाल है कि क्या सलमान खान को सच में अपनी लोकप्रियता कम होने का डर सता रहा है? इंस्टाग्राम पर 30 लाख फॉलोअर्स कम होने का असर कहीं सिनेमा हॉल में न दिखने लग जाए, इसकी आशंका होने लगी है। ये सब उस दिन के बाद हुआ है जब एल्विस ने बेबिका ध्रुव पर कुछ कॉमेंट किया और सलमान खान ने एल्विस को फटका लगा दी। पर सवाल है कि सलमान खान का कद तो एल्विस की तुलना में काफी बड़ा है, तो फिर वो इस तरह का बर्ताव क्यों करेंगे? तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड ने क्या किया। सिद्धार्थ शुक्ला जब बिग बॉस में गए थे तो कितने तरह के सवाल उठे थे, लेकिन इससे इनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। आज भी दोनों के फैंस इन्हें याद करके भावुक हो जाते हैं, जिन्हें लगता है लोकप्रियता सिर्फ डोले शोले और स्टारडम से मिल जाती है। उनकी सोच सुशांत सिंह राजपूत ने बदल कर रख दी थी और अब सामान्य परिवार से आने वाले एल्विस यादव ने भी सलमान खान के सामने कुछ ऐसे ही चुनौती पेश की है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नए जमाने की बात है। जो लोग पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं, उन्हें राजकुमार का अंदाज काफी पसंद आता था। उनका बोलने का तरीका, डायलॉग डिलीवरी और धमकी वाला अंदाज आज भी लोगों को दीवाना बना लेता है। आज एल्विस यादव बिग बॉस के शो में जो भी कर रहे हैं वो उनके देसीपन का ही परिचय है। अभी एल्विस एक यूट्यूबर हैं, तब ये हाल है, और आने वाले दिनों में वो एक्टिंग के क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। और बेबिका ध्रुव के पापा जनार्दन पंडित ने तो ये तक कह दिया है कि एल्विस 47 की उम्र में सियासत में कदम रखेंगे और वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा। कुछ ऐसी ही बात जनार्दन पंडित ने मनीषा रानी को भी कही। और सोशल मीडिया पर इन दिनों एल्विस और मनीषा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मनीषा एल्विस से आलू छीलने के लिए कहती है। तभी दोनों का हाथ काम करते हुए प्रेशर कुकर में टच हो जाता है और मनीषा कहती है, आपको पता है हमारे भारत में शादी की एक रस्म होती है जिसमें थाली में अंगूठी डाली जाती है और दूल्हा दुल्हन को साथ में वो रिंग निकालनी होती है। इस पर एल्विस कहते हैं, मुझे क्या पता मेरी कौन सी शादी हुई है, पर ये जो फालतू में तुम चिपका चिपकी कर रही हो यही तुम्हारे पति को बाद में दिखाऊंगा। फैंस कह रहे हैं एल्विस मनीषा से दूरी बनाने लगे हैं। एल्विस की बढ़ती लोकप्रियता कई स्टार को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। उधर बिग बॉस में कुछ भी होता है, इधर ट्विटर पर एल्विस आर्मी ट्रेंड करने लगती है, जो ये बताता है कि अगर सलमान बॉलीवुड के भाईजान हैं, तो एल्विस यादव भी अपने फैंस के लिए भाई हैं। इसीलिए एल्विस के फैंस चाहते हैं कि सलमान एल्विस से किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगे। ट्विटर पर गोल्डी बराड़ नाम के हैंडल से भी ट्वीट किया गया, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये लॉरेंस का गुर्गा गोल्डी है या कोई और। जबकि सलमान खान के फैंस चाहते हैं कि एल्विस माफी मांगे। आप बताइए, आप किसके फैंस हैं और क्या चाहते हैं?